चलिए प्रिय बच्चों, आज हम जानते हैं कि चाल कैसे निकाला जाता है। होता नहीं कि चाल, समय और दूरी। तो चाल, समय और दूरी का जो चैप्टर होता है, उसमें सबसे पहले हम चाल निकालना सीखेंगे कि चाल हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लो तुम एक बाइक चला रहे हो और उस बाइक से जो है तुम अपने घर से उस किसी स्थान तक गए और उस स्थान को तुम्हें पता है कि वो कई किलोमीटर की दूरी पे है। मान लो कि मैं जो है अपने घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर 3 घंटे में पहुंचता हूँ, तो वो जो मेरी गाड़ी की जो गति हुई, मेरी गाड़ी की जो चाल हुई, वो कितने की रफ्तार से गई, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गई, उसको हम कैसे पता लगाएंगे। प्रिय बच्चों देखो, चाल का जो सूत्र होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि देखो, कह रहा है एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर की दूरी, उसकी दूरी कितनी है 160 किलोमीटर, जहां पर वो रेलगाड़ी जो है पहुंची। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, उसकी दूरी कितनी है 160 किलोमीटर, और जो समय वो लिया उसने कितना लिया 5 घंटे में। तो एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो गाड़ी की गति क्या है, वो जो गाड़ी जा रही है छुक 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 छुक, उसकी गति क्या है, कितने से गई। तो उसका हम सूत्र लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होता है चाल का सूत्र। ठीक, तो अब इसमें देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय में दूरी कितनी दी है हमारी 160, बटा समय कितना दिया है हमारा 5 घंटे। ठीक, देखो अब ये हमारा बन गया, यानी कि अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये हम इसको पहले काटते हैं। चलिए देखते हैं, 5 तिहाई 15, चूंकि 16 है इसका, हम 5 का 3 बार जाएंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, एक हमारा यहाँ पे बचेगा, जब हम इसको यहाँ लगा देंगे तो 5 दूना 10, 5 का 5, यानी कि हमारा जो आया वो कितना आया 32 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो रेलगाड़ी है 1 घंटे में कितना जा रही है 32 किलोमीटर, 1 घंटे में जब वो 32 किलोमीटर जा रही है बाबू, तो 5 घंटे में कितना जाएगी, 5 गुणते 32, 5 दूनी 10 का 0, हाँ से ले 5 15 1 16, 160 किलोमीटर जाएगी वो 5 घंटे में। यही तो करते हैं ना, जब वो 1 घंटे में 32 किलोमीटर जा रही है तो 5 घंटे में 160 किलोमीटर जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन वो तुम्हें मिलते रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करना। ठीक है, थैंक यू। देख लो ऐसे ही लगता है, इस तरीके से तुम्हें जो है 5 6 7 एक्सरसाइज अपने से करना तो आने लगेगा तुमको। ठीक है।